देशो पुत्र रहन दे जिन्ना काम हो गया अद्धी तो ज्यादा कम तो तू निबेड़ दिता ते जड़ा रह गया है वो मैं आप कर लेना है जा तू फटाफट तैयार हो जा नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी दफ्तर जाने लई देशो किते नहीं जाएगी मेरे हिसाब ना तेन उस नौकरी से वापस नहीं जाना चाहिए अच्छा तो मैं पूछ सकते हैं कि थानू इदा क्यों लगता क्योंकि तेनू साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा या फिर तू देखना नहीं चाहती कि दुग्गल तेनू वापस इस करके बुला रहा क्योंकि वह तेनू पसंद करता नाल तू बहुत समझदार है तेनू ओदे नेड़े तेड़े भी नहीं घूमना चाहिए क्योंकि हुण दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो चुका है जी मैनू चंगी तरह पता कि रणवीर सर मैनू पसंद कर दे पर उन्होंने मेरे तो अपनी भावनावां लुकाईया नहीं बल्कि साफ साफ लफ्जां च मेरे सामने बयान कर दित्ती ते मैं रणवीर सर नू दस भी दित्ता कि उन्हां दी इन्हां भावनावां नाल मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा रही गल नौकरी दी ते ओह मैनू मेरी काबिलियत ते मिली है बाकी इस करके क्योंकि रणवीर सर मैनू पसंद कर दे मैं अपनी निजी जिंदगी ते काम काज नू वक्ख रखना सही समझती ते नौकरी ते तां मैं जरूर जावांगी क्योंकि मैं इस मुकाम ते बड़ी कड़ी मेहनत नाल पहुंची देशो तू गल नू ध्यान नाल समझदी क्यों नहीं है ये तां तुसी दसो ना अरमान कि मैनू तुहाडी गल समझनी भी चाहीदी है कि नहीं मम्मी जी तुसी सही कह रहे सी मैनू दफ्तर लई देरी हो रही है मैं तैयार होण जा रही हूँ देशो ने बहुत वधिया फैसला किया मैं उहदी गल दे नाल सहमत हाँ देशो नूं पता नहीं हुंदा की पहला तो पड़े आप समान की गल्लां करदी सी क्यों हुण क्यों है मैनूं तां हाले भी भरोसा नहीं हो रहा क्यों हाले भी दुग्गल दे ऑफिस काम करना चाहुंदी है ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ कि देशो ताड़ी एक्स वाइफ है एक्स वाइफ मैनू ऐ नहीं समझ आता हुण दिक्कत की है तुहानू छड़ तू तां रहण नहीं दे तुहानू सभ नूं ना कोई गल समझ नहीं आउणी दिक्कत ऐ नहीं अरमान कि देशो ताड़ी एक्स वाइफ है पर तुसी उहनू आप ही छड़ना नहीं चाहते इस पेंडू को वार करके ना मेरा अपना फ्यूचर दाब ते लगा पे गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग देशो जी आ गए ने अंदर हाँ जी ऑफिस जी ने वो अपने कैबिन च ने दसो की होया नाले कोई खास वजह जो तुसी देशो नू चाहुंदे हो कि ऑफिस ना आवे वैसे मैं फाइल लेके जा रहा सी उन्होंने कैबिन च थोड़ा कोई मैसेज होवे तो दस दो नहीं कुछ नहीं रणवीर तो अरमान तो खेड़ा क्यों नहीं छुड़ा लेंदा मैं सुनिया ता सी पर आज देख भी लिया वो गल किता करदा तेरे नाल नहीं नहीं मम्मी जी ऐदा करना ठीक नहीं रहेगा मैं अपनी पुरानी गलतियां तो बहुत कुछ सीखा मैं किसी नु भी निजी कारण करके नौकरी तो नहीं कर सकता
पर पुत्र ऐदा तो दूजे बंदे नूं भी अपनी निजी जिंदगी ऑफिस च नहीं लियानी चाहिए। अरमान नूं कोई हक नहीं बनता कि वह तेरे नाल ऐदा गल करे। एक तो तू उहदा बॉस है, दूजा तू कोई गलती नहीं की। अरमान नूं इह गल चंगी तरह पल्ले बन लैनी चाहीदी है कि देशो उहदी पहली घर वाली सी ते सिंपल उसकी होने वाली घर वाली। मम्मी जी रिश्ते भावे टुट भी जाए पर उन्हां नाल जुड़ियां भावनावां ते अपनापन कदे भी नहीं मुक सकता। हो सकता है कि अरमान नूं लगदा होवे कि मैं देशो जी का दिल दिखाया पर मेरा मकसद तो कदे भी उन्हां दा दिल दुखाना सी नहीं। यह गल मैनूं देशो जी नाल भी क्लीयर करनी पवेगी। उन्होंने इस गल की तसली होनी चाहिए है कि मैं तो बस अपने दिल की गल की सी। मैं तो उन्होंने सारी दुनिया की खुशियां देना चाहता। मैं कदे भी ना देशो जी ने उदास नहीं देख सकता। यह सब जज्बात होने तो बावजूद भी ना कदे भी देशो जी नाल कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तेरी गल हुई मिसेस दुग्गल नाल? किथे, मम्मी तो मेरी कोई गल सुनने नूं तैयार ही नहीं, नाले मैनूं नहीं लगता हुण मेरे ते भरोसा करदे जरा भी। पर उन्हां नूं तेरी गल सुननी पौगी। मेरा बहुत कुछ दांव ते लगा पिया ते पहले मैं बहुत कुछ खो भी चुकी हाँ। मेरा फ्यूचर ना हथ विचकार लटकिया पिया है। जिस बंदे लई मैं ना कुछ किया जो फिर अपनी पुरानी वोटी को वापस चल गया ना तो मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस यही गल ना मैनूं तेरे कोल लै आउंदी आ ते तेरी मदद करन लई मैं बेताब रहना पर मैनूं समझ नहीं आउंदी की करां। मैं मेरे हाथ विच कुछ भी नहीं है। बस रहन दे तू, तैनूं पहले ही पता सी तू कोई काम करन दे लायक नहीं है ना तेरे हाथ च कोई काम है। सारियां प्लानिंग्स ना मैनूं ही करनियां पैणियां। ठीक है जो तैनूं सही लगदा कर। सनी किहदे नाल गल कर रहे हैं? मम्मी जी। हेलो, मैं जानती हूँ तो सिंपल ही है। सर जी मैं थोड़े नाल कुछ गल्लां बारे चर्चा करनी सी। आप आ डेटा है कुछ दिन दा साढ़े रेस्टोरेंट्स दा, मैं पढ़िया इनू ते साढ़े गाका दी गिनती वधदी जा रही है। साढ़े रेस्टोरेंट्स दी डिशेस दी विक्री भी वध गई है तो यह वधिया संकेत है साढ़े लिए। मैं इंटरनेट पर साढ़े गाहकों की राय भी पढ़ी साढ़े रेस्टोरेंट्स के बारे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तजर्बा काफ़ी वधिया रहा। उन्होंने होर भी काफ़ी वधिया वधिया चीज़ा लिखिया ने, तुसीं यह पढ़ सकते हो। देशो जी मैं इत्थे रेस्टोरेंट्स के बारे गल करन नहीं आया, मैं इत्थे तुहाडे बारे गल करन आया। तुसी मैनू दसो तुसी ठीक तो हो ना? मैं ठीक हाँ सर जी। नहीं देशो जी तुसी ठीक नहीं हो ते तुहाडे दुख का कारण ना मैं। मैनू कल वो सब नहीं कहना चाहिदा सी कि मैं तुहाडे बारे की फील करदा या मैं तुहानू प्यार करदा। देशो जी मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडा दिल नहीं दुखाउणा चाहुंदा सी। दरअसल सर जी आ सच है कि तुहानू वह सब नहीं बोलना चाहिदा सी पर गलती मेरे कोलो भी हुई है। मैनू थोड़े उत्ते हाथ नहीं चुकना चाहिदा सी, मैं कुछ ज्यादा ही कर दिता। मैं बहुत शर्मिंदा अपने किते ते, मैनू माफ कर दो सर जी। मैनू बहुत पछतावा अपने किते दा।
वैसे तो मैं थोड़े दोनों से कोई बहुता भरोसा है नहीं, पर एक गल मैं चंगी तरह जानती हूँ कि सनी चलाक तो है पर वो इकला स्कीमा नहीं बना सकता। उदे लई दिमाग चाहिए ते वो तो ये कोल है नहीं। तो इन्हों चलाकियों पिछे तेरे तो इलावा होर कौन हो सकता है? चलो जो ये गल तुहानू पता लग ही गई है तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि मैं सब कुछ क्यों किया। मेरे कोल होर कोई राह नहीं सी बच्चे का, मैनू सिर्फ अरमान चाहिए। मैनू कल भी अरमान चाहिए सी ते अज भी अरमान चाहिए है। ते जद तक देशो अपनी जिंदगी च अगे नहीं ना वधदी उन्नी देर तक अरमान भी अपनी जिंदगी च अगे नहीं वधेगा। ते एक गल मैं भी चंगी तरह जानती हाँ कि देशो हुण तुहाडे दोनों की जिंदगी च रोड़ा बन के नहीं बैठी। वो तुहाडे वर्गी नहीं है, बहुत नेक दिल कुड़ी है वो। बिल्कुल सही कहा तुसीं, उहदा सती सवित्री होना ही मेरे ते भारी पिया होया। ते ओह नेक दिल औरत अज भी अपने उस हसबेंड दे घर है जिन्हें उहनूं कद दा छड्ड दित्ता होया। वो अरमान के माँ प्यो की जिम्मेवारी चुकी बैठी है, उन्होंने सेवा करती पी है। अरमान ने तो उन्होंने कदा तलाक दे दिता हो, सिर्फ अपने पुत्र ते अपने सस सोरे की सेवा करने लिए रुकी हुई है। जब तक देश उस घर तो नहीं ना जाते मैंने अरमान की दूजी वोटी बनने का दर्जा कदे नहीं मिल सकता। मैनू तेरी यह दुख भरी कहानी सुन के बिल्कुल भी तरस नहीं है, पर हाँ अरमान की वोटी बनने च मैं तेरी मदद जरूर करा। मैं चाहनी हाँ कि अरमान देशो की जिंदगी चो हमेशा लिए चला जाए। तो जे देशो नूं यह विश्वास दवाना है कि अरमान अपनी जिंदगी बहुत अगे वध चुका तो उहदा इको एक तरीका है, सिंपल दा अरमान नाल विआह। मैनू पता है तेनू पैसों तो वध के कुछ प्यारा नहीं, पढ़ लै पहली पेमेंट है। बाकी की पेमेंट तेनू अरमान नाल व्याह करन तो बाद मिलेगी। बाकी व्याह तो बाद भी समय समय से तेरा खर्चा मैं देखती रहूंगी। सर जी इन्ने जे समय विच मैं थानू जिन्ना भी जान पाई हाँ उस तो मैं पक्के तौर पर कह सकती हाँ कि तुसी बहुत ही वधिया इंसान हो, पर मैनू तुहाडी भावनावां बारे पता ही नहीं सी। जे मैनू पहला पता हुंदा कि तुसी मैनू पसंद करदे हो तो मैं थानू रोक देना सी, गल इन्नी अगे वधनी नहीं सी। तेजो जी तुसी दसो, सुन रहे? सर जी मैं हर वेले अपने जीवन की मुश्किलें सुलझाने में उलझी रही हूँ, कदे कुछ होर वेख्या ही नहीं। पर सर जी आज मेरी अखां विच थोड़े लिए मान होर भी वध गया। अपने दिल की गल दसना सौखा नहीं हुंदा, तुसी सब कुछ साफ साफ मैनू दस दिता। पर इस वेले अपनी जिंदगी विच मैं पूरब तो इलावा किसी होर बारे नहीं सोच सकते। तेशो जी मेरे लिए तुहाडी है ते तुहाडे नाल जुड़ी हर जिम्मेवारी ना बहुत जरूरी है। सर जी तुसी मेरे लिए चीजां नूं होर मुश्किल ना करो, मैं तुहाडा बहुत आदर करती हूँ क्योंकि तुसी ही वो इंसान हो जिहदे करके मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ, जिहदे करके मैं पूरब दी देखभाल कल्ली कर सकती हूँ। मेरे सास सहुरे हर मुश्किल विच मेरा सहारा बन के मेरे नाल खड़े रहे, ते हुण ए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उन्हां दी देखभाल करा। मेरी तुहाडे तो विनती है तुसी मेरे तो होर कोई उम्मीद ना रखो। तेशु जी प्लीज तुसी हाथ ना जोड़ो, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा। तुसी बस आ समझ लो कि मेरे दिल विच तुहाडे लिए होर कोई भावना नहीं।
फिर मैं डील पक्की समझा। इस दोबारा सोचने वाली तो कोई गल नहीं है, साढ़े दोवां लिए डील घाटे का सौदा नहीं है। तेनू जो चाहिए तेनू मिल जाएगा, ते मेरे रणवीर नूं उहदा प्यार। ठीक है, इन्हां पैसों विच मेरा भी हिस्सा बनता सिंपल। केड़ा तेरा हिस्सा? नाले आ डील ना, मैं आप सिरे चढ़ाई है। यार आजकल दे मैथ्स सवाल किन्ने औखे हो गए, ये तो मैनू समझ नहीं आता पिया। हुण मैं तेनू की पढ़ावा? एक मिनट, ये तो होर ज्यादा औखा वा। हुण मैथ्स इना सौखा नहीं हैगा पापा जी, पहला मम्मी ऑनलाइन पढ़ते ने फिर मैनू भी पढ़ाते ने। सही गल है, तेरी मम्मी ना बहुत होशियार है, वो जिद्दां मर्जी करके ना काम सारी लैंदी है। हाँ जी पापा जी, ये तो तुसी सही कह रहे हो। पर तेनू पता तेरे पापा भी बहुत होशियार है, हुणे दिखाउणा। आ वेख पापा, मैं दसदा ये किवें हल होऊगा। आ रहा एक्स प्लस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई। वेरी गुड। मम्मी तुसी आ गए, तुसी बैठो, मैं हुने दादी मां नूं कह के आना कि वो चाय बना दें। ठीक। आज ना मैं ऑफिस तो थोड़ा जल्दी आ गया सी, ते मैं सोचा पूरन नूं पढ़ा दें, पर वो तो इदा लग रहा है जिदा मैनू पढ़ा रहा हो। बाकी तू ना पूरब की परवरिश बहुत वधिया कीती है, वह बहुत ज्यादा होशियार है। सिर्फ होशियार नहीं, सियाणा ते मेहनती भी है। मैं तो बस आई अरदास कर दी हाँ कि उहदी हर मनोकामना पूरी हो। हाँ नाले हुण तां आपां दोवें हैगे आ ना, उहदा ख्याल रखण वास्ते ते उहनूं पढ़ाई करन वास्ते। रणवीर पुत्र देख, आज मैं तेरे लिए की बनाया। इन्ने चिर बाद तेरा मन पसंद सूप जिहड़ा तेनू बचपन तो बड़ा पसंद है, तेरी तो रूह खुश हो जाती है पी के। आ चल देख, टेस्ट करके दस मैनू किवें बनिया। ले देख, तेरी देशों नाल कोई गल नहीं हुई? हाँ जी मम्मी जी, गल हुई सी। मैं अपने बर्ताव दे लई उन्हां तों माफ़ी भी मंगी, ते ओह भी शर्मिंदा ने, पर उन्हां ने यह भी कहा कि उन्हां दे दिल विच मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, ते ना ही कदे होवेगी। ओ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आस पास एक दीवार बना रखी है, उहदा पहला घर वाला हले भी उहदी जिंदगी च है, उहदे सामने है। जो भी होवे मम्मी जी, मैं देशो जी नूं इहो जी किसी भी चीज़ लई मजबूर नहीं करना चाहुंदा जो हले हो नहीं सकती। लै पुत, तेरे वास्ते दूध लेके आई, मन लगा के पढ़ाई कर। पापा मम्मा, तुहानू दोवां नूं मेरे स्कूल स्पेलिंग कंपटीशन विच आना पाऊगा, मैंने जीत तो देखन ली। हाँ हाँ पुत, असि जरूर आवांगे। मैं मुंह हाथ धो के आनी हूं। पुत मैं हुणे आना।
और फिर आज का दिन कहो जा रहा? वधिया सी ना? थोड़ा वधिया सी। मैं लगता थोड़ा तो बहुत वधिया रहा होना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुसी मेरे तो दूर जा रहे हो। ते अजकल उस देशो वल ज्यादा झुकाव हो रहा थोड़ा। सिंपल तो कितने गल्लां करदी पई है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पूर्व का ध्यान ज्यादा रख रहा ताकि देशो इस घर दे विच रहे ते मेरी नौकरी बची रहे। मैनू तो नहीं लगता कि सिर्फ यही कारण है।